हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 मार्च को हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है म्यांमार कन्फ्लिक्ट इज अ रीजनल प्रॉब्लम। इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे म्यांमार कन्फ्लिक्ट की, उसके बैकग्राउंड से समझेंगे कि म्यांमार कन्फ्लिक्ट एक्चुअल में है क्या, और 5 पॉइंट कंसेंसस और ऑपरेशन 1027 के बारे में समझेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है नो लास्ट वर्ड, जो रिसेंटली कमिटी बनाई गई है, हाई लेवल कमिटी वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है और उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या है। हमारा जो लास्ट आर्टिकल होगा वो है GI टैग फॉर असम मजुली मास्क, हिस्ट्री ऑफ आर्ट फॉर्म। इसमें हम नियो वैश्नाई ट्रेडिशन, जो कि शंकर देवा जी के द्वारा बनाया गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे, मजुली मास्क के बारे में बात करेंगे, मजुली पेंटिंग के बारे में बात करेंगे और GI टैग होता क्या है ये समझेंगे। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के थ्रू समझी जाएगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द म्यांमार कन्फ्लिक्ट इज अ रीजनल प्रॉब्लम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ टर्म्स डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 5 पॉइंट कंसेंसस रिलेटेड टू विच कंट्री डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट, और आपको ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन 1027 रिसेंटली इन न्यूज़ क्या है ये 1027। ये दोनों तरह की चीज़ें आपको पूछी जा सकती है इस आर्टिकल से। प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म, इसको अच्छे से समझेंगे, गहराई से समझेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल, उससे पहले जो म्यांमार कन्फ्लिक्ट है उसका बैकग्राउंड और टाइमलाइन को समझते हैं। 1948 में इंडिपेंडेंस मिली म्यांमार को, उस समय बर्मा कहा जाता था। जस्ट आफ्टर 1 ईयर आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस बर्मा को भी जो है इंडिपेंडेंस मिल गई। नेक्स्ट बात करते हैं 1962 से 2011 के बीच में जो म्यांमार है उसे किसने रूल किया है, मिलिट्री के द्वारा यहाँ पर रूल किया गया था। मिलिट्री को क्या कहा जाता है यहाँ पर, जुंता कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 2010 में फाइनली डिसाइड किया गया कि वापस डेमोक्रेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएंगे। 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया, 2010 में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई, 2015 में पहली बार इलेक्शंस हुए, और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है किसका था, आंग सांग सूची का था, जो कई साल प्रोटेस्ट करी, जेल में रहीं, फिर बाहर आईं, उनने अपनी पार्टी बनाई नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, और फाइनली उनकी जो पार्टी थी वो सरकार में सत्ता में आ गई थी। 2020 में दोबारा इलेक्शन हुए और दोबारा जो NLD है, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, वो इलेक्शन जीती, उन्होंने मेजॉरिटी सीट जीती, लेकिन जो जुंता थी, मिलिट्री थी, उन्होंने NLD को एक्यूज़ किया फॉर फॉल्स और फ्रॉड वोटिंग। फरवरी 2021 में मिलिट्री ने कूप स्टेज कर दिया और तख्ता पलट कर दिया, और जो आंग सान सूची थी उन्हें वापस डिटेन कर लिया गया। ठीक, तो ये बेसिकली क्या था, हमारा बैकग्राउंड था, इस तरीके से स्टेज हुआ है यहाँ पर कूप। तो इनकी हिस्ट्री रही है, हमेशा यहाँ पर मिलिट्री रूल रहता है, डेमोक्रेसी 5 साल के लिए बस थी पिछले 2015 से 20 के बीच में, उसके बाद से दोबारा यहाँ पर मिलिट्री रूल हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि ये जो म्यांमार का कन्फ्लिक्ट है ये रीजनल प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये समझ लेते हैं। पहला तो ये रीजनल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर म्यांमार में इनस्टेबिलिटी रहेगी तो यार पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि रिफ्यूजीज फिर नेबरिंग स्टेट में इन्फ्लक्स करेंगे, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे रिफ्यूजीज म्यांमार से आ रहे थे। अब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कि प्रो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो लोकल फोर्सेस बनी हैं, एथनिक फोर्सेस जो कि सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, वो लोग भी कहाँ पर आ रहे हैं, रिफ्यूजी बनकर इंडिया में आ रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, असाइलम मांग रहे हैं। दूसरा क्या इशू है, जो एक्सप्लोजन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके कारण बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है इस कंट्री में, उसके कारण सिक्योरिटी जो चैलेंजेस होंगे पूरे रीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑब्वियसली
यहाँ से जो ट्रेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उसकी भी अब सेफ्टी खतरे में है। और जितने भी इकोनॉमी प्रोजेक्ट होंगे जो इस पर्टिकुलर कंट्री से होके गुजर रहे होंगे, जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होंगे, वो सारे के सारे अब क्या होने वाले हैं, डिले होने वाले हैं, और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजनल मुद्दा है। इसको सुलझाने के लिए आशियान ने काफ़ी मेहनत करी और कोशिश करी कि इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सके। ठीक, आशियान 5 पॉइंट कंसेंसस पे भी पहुंचा था जो जुंता के लीडर हैं उनसे। और इस 5 पॉइंट कंसेंसस में क्या था कि इमीडिएटली जो कूप है, तख्तापलट है, उसे ख़त्म किया जाए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वापस इस्टेब्लिश की जाए, डेमोक्रेसी को वापस इस्टेब्लिश किया जाए। जिन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर बना के रखा गया है, जिन्हें डिटेन किया गया है, उन सबको दोबारा रिहा किया जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसको हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं 5 पॉइंट कंसेंसस को, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी भी नहीं हुई है। तो 5 पॉइंट कंसेंसस किस किस के बीच में हुआ था? आशियान और जुंता के बीच में, जो वहाँ की मिलिट्री के लीडर थे उनके बीच में ये 5 पॉइंट कंसेंसस साइन हुआ था। और इट इज़ रिलेटेड टू म्यांमार कन्फ्लिक्ट। ये प्री क्लियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंटरनली प्रो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं। बहुत सारे रेजिस्टेंस ग्रुप बन चुके हैं। कुछ ग्रुप वॉलेंट हैं, कुछ ग्रुप जो है सिंपली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो एनएलडी है वो एक्साइल गवर्नमेंट चला रही है, वो एक बाहरी गवर्नमेंट चला रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और रिसेंटली जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने ऑपरेशन 1027 को लॉन्च किया था, ठीक, 2023 अक्टूबर में। इसमें बेसिकली क्या किए गए थे, जो जुंता कैंप्स हैं, 200 के आसपास जुंता कैंप में अटैक किया गया था, और वहाँ पर अपना जो है वर्चस्व बनाने की कोशिश की गई जो थी इथनिक फोर्सेस के द्वारा। 1027 ऑपरेशन में जितनी भी फोर्सेस है सब एक साथ मिल गए थे, और सारी फोर्सेस एक साथ मिलके, ये लोकल इथनिक फोर्सेस हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं, प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, मिलिट्री के खिलाफ में फाइटिंग कर रहे हैं, वॉयलेंट तरीके से फाइट कर रहे हैं। और इन लोगों ने ऑपरेशन 1027 चलाया था। जितने भी 200 के आसपास जुंता कैंप थे उन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। ये हमारा 1027 था। लेकिन अभी भी जो है मिलिट्री बाज नहीं आ रही है। मिलिट्री ने उसके बाद से और ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिया है सिविलियंस के ऊपर और जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उनके ऊपर, और लोगों को मार रहे हैं। बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस देखने मिल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। ना बाहर की कोई कंट्री ज़्यादा कुछ बोल रही है, ना आसपास की कंट्री कुछ बोल रही है। इंडिया और रीजनल प्लेयर इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन 1027 म्यांमार कन्फ्लिक्ट, 5 पॉइंट कंसेंसस म्यांमार कन्फ्लिक्ट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, प्रीलिम्स में यार ये आ सकता है। ठीक है, ऑपरेशन 1027 स्पेशली। नेक्स्ट आर्टिकल है GI टैग फॉर असम मजुली मास्क, हिस्ट्री ऑफ द आर्ट फॉर्म। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मजुली मास्क के ऊपर पूछा जा सकता है, GI टैग के ऊपर पूछा जा सकता है, नियो वैश्नाइट ट्रेडिशन के ऊपर आ सकता है, श्रीमन शंकर देवा के ऊपर पूछ सकते हैं, और मजुली आइलैंड के भी ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे आस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। द ट्रेडिशनल मजुली मास्क ऑफ असम वर्गीवन्ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय द सेंटर अर्लियर दिस मंथ। जो मजुली मास्क हैं, ये जो फोटो दिख रहे हैं आपको, ये सारे मास्क को जो कि असम में मैन्युफैक्चर होते हैं, उसे केंद्र सरकार के द्वारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इसके अलावा मजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को भी GI लेबल दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये GI टैग होता क्या है? GI टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ओरिजिनेट होते हैं या पर्टिकुलर ज्योग्राफी में प्रोड्यूस होते हैं या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो इस प्रोडक्ट्स में हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, आगरा का पेठा, पेठा सिर्फ आगरा का ही फेमस है, वो आगरा में ही प्रोड्यूस होगा या मैन्युफैक्चर होगा, तो ही जो है उसे आगरा का पेठा क्लेम किया जा सकता है। कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगी आगरा की, वहाँ के लोग एक पर्टिकुलर स्टाइल से इसे बना रहे होंगे, और ट्रेडिशनली ये चीज़ें चली आ रही है। तिरुपति के लड्डू, बासमती राइस, अगर आप बात करें, पूरे देश में बासमती हर जगह नहीं होता, पर्टिकुलर
ज्योग्राफी में ही हमें बासमती और एक सर्टेन क्वालिटी का बासमती प्रोड्यूस होते हुए दिखता है। ठीक, तो गुड्स एग्रीकल्चर भी हो सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ही प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। जीआई टैग की बात करें तो इट इज़ गवर्न अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 और इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें हमने जीआई टैग लगा दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ही प्रोड्यूस किया गया होगा या मैन्युफैक्चर किया होगा। अब मान लीजिए मैंने जीआई टैग लगा दिया और मैं उसको बेच रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट मुझे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अब आगरा के पेठा के नाम से आपको बहुत सारे पेठे बेचे जा सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो बेसिकली जो जीआई लेबल है ये ओरिजिनलिटी क्या करता है, शो करता है, एक प्रॉपर्टी राइट दे रहा है किसको, जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको मोनोपोली मिल रही कि आप बस ये प्रोड्यूस करो, हम जीआई टैग लगाएंगे, फिर आप इसे अपने नाम से बेच सकते हो, एक नाम दे रहा है जीआई टैग के थ्रू। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। सो मजूली मास में मजूली क्या है? मजूली एक रिवर आइलैंड है, एक प्लेस है असम में। ठीक, मजूली का मतलब क्या होता है? द लैंड बिटवीन टू पैरेलल रिवर। जैसा मजूली का मतलब है उसी तरीके से ये फॉर्म भी होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर इन द साउथ एंड खेरकुतिया जूती रिवर ज्वाइन बाय सुभाषरी रिवर इन द नॉर्थ। मतलब दो रिवर्स के बीच का जो लैंड एरिया है उसे मजूली आइलैंड कहा जाता है। इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड एग्जिस्ट इन इंडिया इन असम स्टेट। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और क्या खास बात है इस मजूली की? इट इज ऑल्सो अ सीट ऑफ असम्स नियो वैशोनाइट ट्रेडिशन, है ना। तो नियो वैशोनाइट ट्रेडिशन जो 16 सेंचुरी से यहाँ पर चल रहा है, एस्टेब्लिश हुआ है, उसकी अगर सीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरिश वो इसी मजूली रिवर आइलैंड में हुआ है और ये बेसिकली इसी प्लेस में ये मास्क मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब मास्क के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। मास्क जो है हैंडमेड मास्क हैं। ठीक, ये जो मास्क हैं हाथ से बनाए जाते हैं, अलग से मशीन का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। ट्रेडिशनली यूज टू डिपिक्ट कैरेक्टर इन भावनास। जो थियोरेटिकल परफॉर्मेंस होती है, जो थिएटर परफॉर्मेंस होती है, उन्हें भावनास कहा जाता है और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिपिक्ट करने के लिए इस मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। जो थियोरेटिकल परफॉर्मेंस होती है वो जनरली आप कैसी परफॉर्मेंस होती है, उसमें डिवोशनल मैसेजेस होते हैं, है ना, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इस तरीके की परफॉर्मेंस होती है और उसमें जो कैरेक्टर हो गए उसको डिपिक्ट करने के लिए ये मास्क को बनाया जाता है। ठीक है, जो नियो वैशनाइट ट्रेडिशन था उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? श्रीमंत शंकर देवा ने 15th-16th century में। ठीक, इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। जो मास्क है वो गॉड गॉडेस डेमन एनिमल बर्ड्स सबको डिपिक्ट करता है, रावण को, गरुड़ को, नरसिम्हा, हनुमान, ये सारी चीजें फीचर करता है ना। फोटो देख लेते हैं एक बार, ये फोटो दिख रही है ना। तो ये बेसिकली मास्क जो है थिएटर में यूज किए जाते हैं, ठीक है, कैरेक्टर को डिपिक्ट करने के लिए। इसके अगर हम साइज की बात करें तो जस्ट इतना छोटा साइज होता है कि कवर फेस कर ले, जिसे बनाने में 5 दिन लगते हैं, और कुछ तो पूरे हेड और पूरी बॉडी के लिए भी मास्क बनाए जाते हैं जिसको बनाने में 1 से 1.5 महीना तक लग सकता है। जो मास्क है उन्हें किससे बनाया जाता है? बम्बू से, क्ले से, डंग से, कॉटन से और क्लॉथ एंड वुड। तो जो भी मटेरियल है वो एकदम नेचर में पाए जाने वाले मटेरियल हैं, प्लास्टिक्स वगैरह यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, ये जो मास्क है वो कहाँ बनाए जाते हैं? ये मास्क जो है सतराज में प्रिपेयर किए जाते हैं। सतराज क्या है? मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जिसे इस्टेब्लिश किसने किया था? श्रीमंत शंकर देवा ने ही किया था। 15th-16th century में ही ये कुछ मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए थे। मजूली में टोटल 22 सतराज है जिसमें 4 ऐसे सतराज है जहाँ पर ये मास्क मेकिंग ट्रेडिशन चल रहा है और ये ही लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो हमारे श्रीमंत शंकर देवा जी हैं उनके बारे में। इनके बारे में यार क्वेश्चन बहुत चांसेस है आपको पूछे जाएं। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मजूली जो मास्क है उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर दोनों को क्लब करके भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो श्रीमंत शंकर देवा की बात करते हैं। ही इज़ अ वैशनाइट सेंट एंड अ रिफॉर्मर बॉर्न इन 1499। द रिलीजन ही स्टार्टेड
महापुरियाव धर्म वॉज अ पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक, तो उस समय जो इन्होंने रिलीजन की शुरुआत की थी वो एक भक्ति मूवमेंट का पार्ट था। ही इंस्पायर्ड भक्ति इन असम स्टेट। ठीक, तो जो मेन स्टेट है जहाँ पर भक्ति मूवमेंट को इन्होंने प्रोपोगेट किया था वो असम है। इनकी मेन फिलोसॉफी क्या थी? ही प्रोपोगेटेड द एक शरण नाम धर्म विच फोकस ऑन वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ भक्ति डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा थ्रू सिंगिंग। मतलब इनकी जो फिलोसॉफी थी उसका नाम था एक शरण नाम धर्म, जिसका पूरा का पूरा फोकस था भक्ति के ऊपर। आपको सिर्फ नाम जपना है, प्रेयर चैंट करनी है, ना कि आपको आइडल वर्शिप करनी है, मूर्ति पूजा करनी है। किसका नाम जपना है? कृष्ण भगवान का नाम जपना है, और आप उनका नाम गाते रहिए, जपते रहिए थ्रू सिंगिंग। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उनका जो फोकस था टीचिंग का वो प्रेयर और चैंटिंग पे था इंस्टेड ऑफ आइडल वर्शिप। ही क्रिएटेड मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन नोन एज सतरास ऑब्लिक थान्स। ये याद रखेंगे, सतरास तो कॉमन है लेकिन थान्स जो है जनरली इतना यूज़ नहीं किया जाता है, और हो सकता है यूपीएससी में आपको अल्टरनेटिव नाम पूछ ले, है ना, फिर ध्यान नहीं आएगा। तो याद रखेंगे थान्स को क्या बोलते हैं, सत्रह भी बोलते हैं, और ये बेसिकली क्या है, मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए थे असम में। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, जैसे कि इन्होंने कुछ सॉन्ग लिखे थे, उन सॉन्ग्स को गाया जाता है। जो सॉन्ग इनके द्वारा लिखे गए थे उसे बोरगीत कहते हैं। इसके अलावा जो थियोरेटिकल परफॉर्मेंस है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, उस थियोरेटिकल परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, भावनास कहते हैं। सत्रिया डांस जो कि क्लासिकल डांस है वो भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। भावना के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं जो कि थिएटर है। ठीक, तो बोरगीत सॉन्ग हो गए, भावना थिएटर हो गया, और सत्रिया डांस हो गया। ये तीनों चीज़ें शंकर देवा से रिलेटेड है, न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन से रिलेटेड है, और असम से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, सारे टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका डांस है, ये थिएटर है पर थिएटिकल परफॉर्मेंस, और ये सॉन्ग्स है। हिज मेजर लिटरेरी क्रिएशन आर द कीर्तन घोषा एंड गुनामाला एटसेट्रा। ठीक, तो ये इनके लिटरेरी क्रिएशंस हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। इस तरह की चीज़ें डिटेल में पूछी जा सकती है। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कटक फेम्ड सिल्वर फिलिग्री वर्क विच गॉट द GI टैग। ठीक, किसको GI टैग मिला है? रूपा ताराकसी सिल्वर फिलिगिरी वर्क ऑफ उड़ीसा कटक हैज़ रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक, तो जो रूपा तारकसी है वो है क्या, ये समझते हैं। ठीक, तो रूपा मतलब क्या होता है, वायर, और कासी मतलब होता है मींस टू डिज़ाइन। सिल्वर के एक ब्रिक से उसको तोड़ ताड़ के प्रॉपर छोटे छोटे वायर बनाए गए, और वायर से बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाई गई। ये ज्वेलरी का जो नाम दिया गया उसका नाम है रूपा ताराकसी, जो कि सिर्फ कटक में बनाया जाता है। इसको बाहर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन क्लियर कट नहीं है, लेकिन 12th सेंचुरी से ये एग्जिस्ट करता है। मुगल के समय में इसे बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया गया था। एक और चीज़ यहाँ मिस हो गई यार, मजूली पेंटिंग मिस हो गई। ठीक, ये पैराग्राफ आपको आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक, मान लो ये प्री का क्वेश्चन है, क्या पूछेगा आपको, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑल्सो ओरिजिनेटिंग इन द 16th सेंचुरी डन ऑन साचीपट और मैन्युस्क्रिप्ट मेड ऑफ बार्क ऑफ साची और अगर ट्री यूजिंग होममेड इंक। दिस आर्ट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय अहोम किंग। ऑप्शन आएगा ABCD। इस तरह का पैराग्राफ दे दिया जाएगा कौन सी पेंटिंग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो मजूली पेंटिंग है उसकी खास बात क्या है, एक तो ये 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई है, इसके बाद ये किस पे बनाई जाती है, सांचीपट और मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर बनाई जाती हैं। जो सांचीपट है वो किससे बने होते हैं, वो सांची ट्री के बार्क से बने होते हैं, सांची या फिर अगर ट्री बोल सकते हैं। उसका जो छाल होती है, जो बार्क होता है, उससे ये मैन्युस्क्रिप्ट बनी रहती है। इसमें हम लोग जो इंक का इस्तेमाल करते हैं वो घर पे बनाई हुई इंक होती हैं। और इस आर्ट फॉर्म को किसने पैट्रोनाइज किया है, अहोम किंग ने पैट्रोनाइज किया। ये सारे 3-4 पॉइंट आपको आ सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि किस पेंटिंग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो मजूली पेंटिंग भी आपको UPSC प्री में पूछा जा सकता है। ठीक, बाकी चीज़ें क्लियर हो चुकी है आपको, सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। ठीक, ये हमारे आर्टिकल थे।
हमारा लास्ट आर्टिकल है नो लास्ट वर्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। जीएस टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी, साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जो हेड कर रहे थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। उस कमेटी के बारे में यार प्रीलिम्स में आ सकता है आपको, और उनके रिकमेंडेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। मेंस में अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन में ये कमेटी की रिकमेंडेशन लिखना ही पड़ेगा, तभी अच्छे नंबर आएंगे। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं। हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी साइमल्टेनियस इलेक्शन पे, जिसे हेड कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उनने अनएनोमसली रिकमेंड किया है कि जो पोल हैं लोकसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के और म्यूनसिपालिटी और पंचायत के सब एक साथ होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर उनकी हरी झंडी है और उनका थप्पा लग चुका है। जो कमेटी थी उन्होंने एकमत जो है होकर के ये रिकमेंडेशन दी है। जो कांग्रेस लीडर थे अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था इस कमेटी में। 8 मेंबर जो पैनल था उसमें मोस्टली गवर्नमेंट के ही लोग थे और कहीं सारे के सारे लोग का एक मत से ये राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन ही होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम टर्म ऑफ रेफरेंस देखें तो उसमें ऑलरेडी ये प्रिजम्पशन किया जा चुका था कि वन नेशन वन इलेक्शन नेशनल इंटरेस्ट में है। और मेन जो टर्म ऑफ रेफरेंस था इस कमेटी का वो ये था कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन किया जा सकता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज आ सकते हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन किया जाता है। तो जो रिपोर्ट है वो ये भी कह रही है कि उसने कई सारे सजेशन और कमेंट इनवाइट किए थे पॉलिटिकल पार्टी से, लीगल एक्सपर्ट से, फॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर से, इकोनॉमिस्ट से, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर ऑफ बार काउंसिल थे। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो कमेटी है उन्होंने जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑब्जेक्शन थे सबको कंसिडर किया है और स्टडी की है इलेक्शन लिटरेचर पे। इंडिया में जितने इलेक्शन लिटरेचर है और बाहर जो इलेक्शंस लिटरेचर है सब पे स्टडी अलग से की गई है। ठीक, ये सारा एनालिसिस के बाद ही रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन अगर हम देखें तो 320 के आसपास पेज हैं जिस पे सिर्फ यही बात की है कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कितना ज़रूरी है इसका इम्प्लीमेंटेशन करना। जैसे कि बात की गई है कि सेपरेट इलेक्शन के कारण वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होता है, पॉलिसी पैरालिसिस होता है, ह्यूज सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती है और वोटर फैटिक होता है। इन्हीं पे 300-350 पेज जो है रिपोर्ट में लगा दिए गए हैं। और इनफैक्ट सारी रिपोर्ट इसी पे थी कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑब्जेक्शंस हैं, जो हर्डल्स हैं उसे कैसे हटाया जा सके। ठीक, कुछ लोगों के जो एप्रीहेंशंस थे उनको ज़रूर नोट किया गया है। जैसे कि तमिलनाडु के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन कुड पोटेंशियली डाइल्यूट द फोकस ऑन रीजन स्पेसिफिक चैलेंजेस एंड डिमिनिश द एफिकेसी ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो लोकल गवर्नेंस होगा उसकी एफिकेसी को चैलेंज कर सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सकते हैं तो। और रीजन स्पेसिफिक जो इश्यूज होंगे वो भी इतने ज़्यादा रेज नहीं होंगे और रीजन स्पेसिफिक चैलेंजेस भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस एपी शाहजी, उनके जो कमेंट्स हैं उसे भी यहाँ पर नोट डाउन किया गया है रिपोर्ट में, उसे भी हाईलाइट किया गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया गया है, जो एप्रीहेंशंस हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई है। ठीक, तो बाय एंड लार्ज अगर देंगे तो रिपोर्ट में ऑलरेडी ये मान लिया गया था, अज्यूम कर लिया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है और वो रिकमेंडेशन दी है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑल पार्टी जब तक कि मीटिंग नहीं होती, इस बारे में पर्टिकुलर डिस्कशन नहीं होता, एक डिबेट नहीं होती, तब तक कि इस तरह के की चीज़ों को है ना फाइनली सरकार इम्प्लीमेंट करने के पहले सबको ऑन बोर्ड ले, उसके बाद ही इस तरीके का जो रिफॉर्म है उसे किया जाना चाहिए। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन पे हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो कमिटी है उन्होंने ये कहा है कि जो रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स है हाफ ऑफ द स्टेट वो ज़रूरी नहीं है अगर आपकी जो इलेक्शन है असेंबली के और पार्लियामेंट लोकसभा के इलेक्शन अगर साथ में करते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी।
हाफ ऑफ द स्टेट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन साथ में होते हैं। हाँ, लेकिन अगर असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और म्यूनसिपल और पंचायत के इलेक्शन एक साथ होंगे तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मेनली जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसमें म्यूनसिपालिटी और पंचायत वाली चीज़ों में करना पड़ेगा, और चूंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो जानते हो ना, 2/3 से पास होना चाहिए, 272 से ये 2/3 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई होना चाहिए, और जो स्टेट है वो कैसे पास करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि अमेंडमेंट करने के लिए कैसी आपको चीज़ें लगेगी। तो वही बताया मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेरियर्स हैं उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कमेटी ने रिकमेंड करी है। होपफुली आर्टिकल पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा।